हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चाहे आपका गन्ना किसान में 1,14,201 हो या फिर किसान में 15,023 हो या कोई भी किसान गन्ने की वैरायटी हो, सभी में इस समय जो दिक्कत किसान भाइयों आ रही है, गन्ने की जो गोब है किसान भाइयों वो पीली होती जा रही है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये गन्ने के समय गोब है जो कि समय पूरा जो है पीली होती जा रही है। उसकी साइड वाली जो पत्तियां हैं वो भी किस समय देख रहे होंगे बिल्कुल पीली होती जा रही हैं। तो किस समय ऐसा क्यों हो रहा है, और देख रहे होंगे कि जितने भी किसान ये बगल के जितने भी किसान प्लॉट के गन्ने हैं सभी में जो देख रहे होंगे गोब के समय पीली होती जा रही है, पत्तियाँ अंदर की तरफ के समय सिकुड़ती जा रही हैं। इसका काफ़ी समय भयानक जो है असर गन्ने पर देखने को मिलता है। गन्ने की जो ग्रोथ है किसान में पूर्णतः रुक जाती है, जिससे किसान गन्ने का जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है पूर्णतः के समय बाधित हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसान में ये जो प्रॉब्लम आ रही है यानी कि जो दिक्कत आ रही है किसान में, ये एक गन्ने में किसान में कीट लगा हुआ है जिसका नाम है किसान में थ्रिप्स, जो कि किसान में गन्ने का रस जो है चूसता है। ये किसान में गन्ने की जो गोब है उसके अंदर किसान में छिपा बैठा रहता है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा किसान शाम के समय ये ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं क्योंकि उस समय काफ़ी एक्टिव होते हैं। और ये देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये देख रहे कितने सारे किसान में देख रहे हैं कीट बैठे हुए हैं। ये देख रहे होंगे ये किसान थ्रिप्स कीट है, ये देख रहे होंगे महीन से किसान डॉट से आपको नज़र आ रहे होंगे काले रंग के, ये किसान देख रहे होंगे। ये देखिए ये हल्का आप हाथ लगाएंगे तो किसान एक्टिविटी भी करते हैं। ये देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये कितने सारे कीट हैं गोब की, गन्ने की जो गोब है उसके अंदर किसान भाइयों जो है ये बैठे हुए हैं। यही किसान में गन्ने का रस चूसते हैं, जिससे कि देख रहे होंगे हमारी जो पत्ती है, ये देख रहे होंगे किसान इसमें जो है क्लोरोफिल किसान में बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिससे किसान में हमारी पत्ती जो है पूर्णतः किसान में पीली हो जाती है जैसा कि ये देख रहे होंगे, और अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिससे किसान में गन्ने का हमारा विकास रुक जाता है, बढ़वार किसान में बिल्कुल ही किसान में शून्य हो जाती है। और ऐसा किसान में सभी जितने भी किसान आपको जो पौधे मिलेंगे सभी में किसान भाइयों जो है अगर आप उसकी पत्ती अंदर को निकोल कर देखेंगे तो देख रहे होंगे, ये किसान देख रहे होंगे बिल्कुल किसान भाइयों जो है आपको कि काले रंग के जो है ये देख रहे होंगे मूवमेंट भी किसान कर रहा है। ये देख रहे होंगे ये आपको सामने थ्रिप्स जो कीट हैं पौधे की गोभ के अंदर मिल जाएंगे, जो कि किसान लगातार पत्तियों का रस चूसते हैं और आपका जो किसान जो गन्ना है वो किसान भाइयों पीला पड़ जाता है। और किसान में खाली थ्रिप्स ही नहीं, इस समय माइट का अटैक भी काफ़ी बड़ गन्ने में हो रहा है। तो माइट और थ्रिप्स के साथ दोनों मिलके जो है गन्ने का रस चूसते हैं, यानी मकड़ी और किसान में थ्रिप्स, जिससे कि हमारी ये देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये देख पूरा किसान जो गोब है इसकी, ये देख रहे होंगे किसान भरी पड़ी है कीटे से यानी थ्रिप्स से, जिसकी वजह से हमारा गन्ना के समय पीला होता जा रहा है। अब इसका समाधान क्या है, क्योंकि किसान ये जो कीड़ा है गोब के अंदर के समय छिपके बैठा रहता है, जिससे किसान जल्दी ये समाप्त होता नहीं है। तो इसके लिए किसान आपको मैं तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसको अगर आप मिला के किसान अपने गन्ने के खेत में स्प्रे करेंगे तो किसान आपको जो निश्चित है कि आपको 100% जो किसान स्प्रे के जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे और आपके खेत से किसान थ्रिप्स जो है ये समाप्त हो जाएगा। इसमें किसान भाइयों आपको जो पहली दवा लेनी है वो किसान भाइयों आपको एसीफेड लेना है। एसीफेड किसान भाइयों जो 75% वाला आता है वो आपको लेना है, तकरीबन 250 ग्राम किसान भाइयों आपको एसीफेड लेना है। और उसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो किसान भाइयों आपको लेमडा साइलोथ्रिन लेना है, तकरीबन 250 ml ही आपको जो है लेमडा साइलोथ्रिन लेना है, यानी कि 250 ग्राम किसान भाइयों आपको एसीफेड और 250 ml किसान भाइयों आपको लेमडा साइलोथ्रिन। और तीसरी किसान भाइयों जो उसमें आपको दवा मिला लेनी है वो किसान भाइयों तकरीबन आपको 100 से 150 ml जो किसान भाइयों एमडा क्लोरोपाइड आती है ये आपको मिलानी है 17.8 SL वाली। और किसान भाइयों इन तीनों को जब मिला के आप इसका गन्ने के ऊपर स्प्रे करेंगे तो निश्चित किसान भाइयों ये जो आपका चूसक जो कीट लगा हुआ जो पत्तियों से रस चूस रहा है थ्रिप्स, ये किसान भाइयों आपके गन्ने से पूर्णतः के समय समाप्त होने लगेगा तकरीबन 48 घंटे के बाद में किसान भाइयों जिसका जो रिजल्ट है आपको अपने गन्ने पर बहुत ही अच्छा अब मिलना के समय स्टार्ट हो जाएगा। और देखते देखते के समय आपका गन्ना जो पीला हो गया था वो के समय इस कीट से जब के समय मर जाएगा तो आपका गन्ना के समय फिर से जो है हरा भरा हो जाएगा और आपके गन्ने की के समय जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगेगी। क्योंकि लमसम के समय जितने भी इस समय 14,201 गन्ना वैरायटी के जो खेत हैं, चाहे उसके समय ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है जो गेहूँ काट के गन्ने लगे थे उसमें के समय गन्ना जो है ज़्यादा पीला हो रहा है, तो आपका गन्ना के समय अगर आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा के समय आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी किसान भाइयों, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।